ये जून का महीना जो है पिछले 10-12 साल से देखा है, और ये 14 तारीख हमेशा जोर से बारिश आता है। जितने भी दुर्घटना है आज का दिन हमने देखा है, ये जून महीना में सभी लोग हमेशा होशियार रहना है, खास करके जो लोग लैंडस्लाइड एरिया में रहते हैं। ईटानगर में जून महीना में नदी का किनार में रहते हैं सभी लोग, अपना आप को ख्याल करके रखना चाहिए। गुड मॉर्निंग। सुबह बहुत जोर से बारिश हुआ, अभी देखते हैं कोई सड़क खराब हो गया। ऐसे तो अभी तक कोई खबर नहीं आया, को भी बहुत सुंदर से बनाएंगे। ये हायर सेकेंडरी स्कूल का सामने जो मालदीप पार्किंग है, यहाँ इधर पे भी बनाएंगे। ये बहुत खूबसूरत होगा बनाने का बाद। ये हमारा असेंबली, स्टेट असेंबली है, जो नहीं देखा देख सकता है, स्टेट असेंबली है अंदर पे है। और इस असेंबली का सामने एक गुमती ये दिख रहा है, ये गुमती को मैं अभी मना करके रखता हूँ, बहुत ख़राब दिखेगा। ये पुलिस स्टेशन और इंफॉर्मेटिव सेंटर ये हमारा असेंबली है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन का बिल्डिंग है। तो यहाँ अभी हम हाईवे 415 में जा रहा है, पहुँचने वाला है। दोनों साइड में गाड़ी पार्किंग करता है, ये बहुत झमेला वाला काम है ईटानगर में। जिसका पास गाड़ी नहीं है वो अच्छा है, जिसका गाड़ी है लेकिन पार्किंग नहीं है वो बहुत शैतान है। अपना पास पार्किंग नहीं है, ये हाईवे पहुंच गए, सारा सेक्टर रोड में गाड़ी को दोनों साइड पार्किंग करके रखता है, शैतान लोग है। अभी हम लोग ये जगह जो राइट साइड लेफ्ट साइड में कांग्रेस भवन है, कांग्रेस भवन अभी आप देख सकते हैं, सारा ट्रक को इधर पार्क करके रखा है सैतान लोग। अभी यहाँ ये निर्वाचन भवन है, निर्वाचन भवन अभी यहाँ पे ये हो गया। गंगा मार्केट हम पहुँच गए हैं, गंगा मार्केट में आप देख सकते हैं लेबर लोग पूरा बैठा हुआ है। ये जो है आकाशदीप हो गया, आकाशदीप पहुँच गया है। आकाशदीप के बाद अभी हम क्लॉक टावर, यहाँ में एक प्लेस मेकिंग होगा, बहुत सुंदर एक प्लेस रहेंगे यहाँ पे। अभी काम शुरू कर दिया है, क्लॉक टावर को भी रिनोवेट करके अच्छा एक ग्री रखने के लिए प्लान है। ये गंगा मार्केट है, ये हनुमान मंदिर है। इस तरफ भी पार्किंग लॉट्स बनाने का प्लान है, जिसमें हनुमान मंदिर को सबसे टॉप में रखा जाएगा।
गंगा मार्केट, यहाँ तक तो अभी सड़क ठीक है, लोग ठीक है, सभी लोग आना जाना सभी लोग कर रहा है। पूरा जबरा बना के रखा है ये वेंडर्स लोग। अभी हम लोग आरके मिशन पहुँचने वाला है। सुबह का समय है, अभी हम लोग आरके मिशन हॉस्पिटल, ये है आरके मिशन हॉस्पिटल का एंट्री गेट। बीमार है लोग, बहुत बीमार है। अच्छा खाना पीना करके अपना को कोशिश करना है बीमार नहीं होने के लिए। के मिशन कंपाउंड वाल है, आप देख सकते हैं। ये बस लोग यहाँ पार्किंग करते हैं, ये बस लोगों को एक्चुअली ऐसे से लोग को ना मीटिंग करके ना इन लोग से पैसा लेके वो थोड़ा और अंदर घुसाना होगा नाला को इम्प्रूव करके। हम इसको हमारा राइट साइड जो है इसको एच सेक्टर बोलते हैं। अभी जहाँ पे हम जा रहे हैं और विवेक बिहार भी बोलते हैं जगह को, इसको बस है। पूरा बादल ही बादल है, लेकिन पिछले बहुत सालों से देखा है सुबह में, रात को सुबह को बारिश बहुत ज़ोर से आता है, फिर दिन में अच्छा हो जाता है। ये एरिया, ये जगह को विवेक विहार बोलते हैं। मेरी स्कूल है इस तरफ से, आपको यहाँ से लेफ्ट साइड डीएन कॉलेज का रास्ता है। ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, यहाँ से लेफ्ट साइड डीएन कॉलेज और राइट साइड हाईवे चलेंगे। अभी हम चंद्रनगर पहुंचने वाला है। सभी ठीक है, सड़क ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। ये तो है कार रैली पार्टी में अभी हम चंद्रनगर, ये लेफ्ट साइड जाने से हमारा डीसी ऑफिस है, तो ये है चंद्रनगर। चंद्रनगर और आप देख सकते हैं उसका ऊपर में गंगा बस्ती है, जबकि गंगा बस्ती ये चंद्रनगर ही होता है, लेकिन अभी गंगा बस्ती ऊपर चला गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अभी देख सकते हैं ये है चंद्रनगर का मार्केट है। अभी चंद्रनगर का ब्रिज पहुँचने वाला है। सब कुछ ठीक है, सड़क भी ठीक है, लोग भी ठीक है। यह है चंद्रनगर का ब्रिज है, और इसके जो ये बिल्डिंग का ऊपर में है पीएचक्यू इसका ऊपर पे है, ऊपर में है। अभी हम यहाँ से जाने से राइट साइड में पीएचक्यू होता है। गंगा बस्ती और पीएचक्यू ये राइट साइड में है, इस तरफ में वहाँ से निकल जाता है। अभी हम गोपुर सड़क का जो तीन आली हमारा जो जूते जू और तीन आली हम लोग अभी पहुँचेंगे। सब सड़क ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इतना जोर से बारिश आने के बाद भी आज सड़क ठीक है यहाँ पे। Thank you for sharing the information regarding blockades in different location. I hope the highway engineers are watching this live video, and I'm sure that they are going to do it. I mean, they will clear it. Thank you for sharing information regarding blockade in different locations.